पंजाब राज्य सहकारी खेतीबाड़ी विकास बैंक लिमिटेड द्वारा फतेहगढ़ साहिब में किया गया राज्य स्तरीय कर्ज वितरण समागम का आयोजन, जिसमें सहकारिता व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किए मुख्य मेहमान के तौर पर शमूलियत। मौके पर जहां जिलों के तीनों हलकों के किसानों को कर्ज वितरण का समान पत्र बांटे। इस मौके सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि किसानों की मदद के लिए सहकारी बैंक को पुनः विकासशील किया गया है। इसके तहत राज्य के 57 बैंक में किसान को करीब 11 करोड़ रुपए के कर्ज दिए जाएंगे। ओपी घनखड़ के बयान पर बोलते हुए रंधावा ने कहा कि हमें भाजपा या घनखड़ से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, यह देश हमारा है। देश की आज़ादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों ने दी है, इसलिए घनखड़ अपनी आंखें खोल ले और देख ले कि पंजाब का इतिहास कुर्बानियों से भरा है। जलियांवाला बाग पर बोलते हुए रंधावा ने कहा कि भाजपा ने सोची समझी साजिश तहत इतिहास का नामो निशान मिटाने की कोशिश की है, जहां देशभक्तों को गोलियों से भून दिया गया था, जो साबित करता है कि भाजपा का उद्देश्य कुछ और ही है। वही किसानों द्वारा राजनीतिक पार्टियों को सियासी प्रोग्रामों पर रोक लगाए जाने के सवाल पर कहा कि यह प्रोग्राम सियासत से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह प्रोग्राम किसानों के हित में था। नेता लोगों के लिए रोल मॉडल होने चाहिए जिस पर लोग विश्वास करें। वही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान पर रंधावा ने कहा कि दिल्ली इसलिए कहा कि किसानों की जो मांगे हैं वह केंद्र सरकार से संबंधित है। जन हितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं। ये साढ़े जिहड़े कि एक तकरीबन पिछले 8-9 साल तो बैंक जिहड़ा 10 साल ही कह लो इनू सी कैटेगरी से आ गया सी। मैं जिस वेले मिनिस्टर बनिया इमीजिएटली असी उन्होंने नाल गल की, नबार्ड के नाल की कि इस बैंक नू, क्योंकि ये लैंड मोर्गेज बैंक इहो जिहा जिहड़ा डायरैक्ट किसानी नाल ते छोटे किसानों के नाल जिहड़ी इहदा लिंक सीगा। काफ़ी सालों तो इहदी कर्जा जिहड़ा सी देना बंद कर दिता गया। एक किस्म का डिफंक्ट जिहा बैंक डी कैटेगरी डिफंक्ट ही कहांगे उहनू, वो आ गया। उहदे ते 750 करोड़ रुपया असी लोन लिया नबार्ड को, और जिहड़े असी कई बैंकों को लोन लैके तो इनू चला रहे थे वह असी 9% दे गए। उन्होंने सानू 5.6% दे के 18 महीने से असी 21 करोड़ रुपया इस बैंक का वो बचाया इंट्रस्ट पे। दूसरा जिहड़ा कि लोगों को यह हो गया कि शायद ये बैंक टोटली बंद हो गया। अज 11 करोड़ की जिहड़ी है पूरे पंजाब असी लोगों को कर्जा दिता इस बैंक के राही। और जिहड़ा मेन फंक्शन से फतेहगढ़ साहब रखिया, तो अज 57 बैंक टोटल कोई 99 बैंक ने उन्होंने 57 बैंक जिहड़े असी सी कैटेगरी कढ़ के डी कैटेगरी लैके आए हैं। तो वो इसलिए बाकी भी जिहड़े साढ़े 11 बैंक जिहड़े ने थोड़े दिनों तक असी वो भी डी चो सी चो डी चो उन्होंने लैके आएंगे। ये मेन यही है कि ये बैंक किसानों का किसानी लिए काम कर ली, किसानी का कर्जा देने की वो असी स्टार्ट किया। लेकिन किसानों के उत्ते एलीगेशन लगाया जी ओपी घनखड़ ने भी पंजाब के जिहड़े किसान है हरियाणे च नशा वधा रहे। देखो बीजेपी का एक मोटिव है कि हिंदुस्तान जिहड़ी धर्म निरपक्ष जिहनूं देश कहा जाता सैकुलर स्टेट जिहड़ी है हिंदुस्तान जिहड़ी उहदे च एक इहो जिहा देश भगती दे उत्ते पंजाबियों की खास करके देश भगती तो क्वेश्चन मार्क नहीं करी होगा। सानू तनखड़ दियां जां होर किसी को सर्टिफिकेट लैण की जरूरत नहीं, सानू बीजेपी को पंजाबियों नू जरूरत नहीं देश भगती की अपने शो कर ली। ये देश साडा पंजाब ने देश नू आज़ादी सब तो वध कुरबानियां दे के अज भी मैं तनखड़ नू कहना कि जे अखां खोलणियां ने जां अपने आप नू थोड़ा जिहा उठे तो जाके काले पानी की जिहड़ी जेल है उहनू देख के आए। जलियांवाले बाग दा जिहदा उन्होंने नामो निशान मिटाउण की कोशिश की है कि देश भगतों को किवें गोलियां लगियां, किवें जिहड़ियां कंधां जिहड़ियां विन्नियां गईयां सी गोलियां दे नाल, उहनां दे उत्ते उहो जे सुनहरी जे रंग दीआं फोटोआं ला देणियां। ये मैं इहनूं धनखड़ साहब नूं जां बीजेपी नूं अपनी ये पार्टी नहीं समझदा कि जिहड़ी पंजाबियों नूं जां हिंदुस्तान नूं प्यार करदी होए इहनां दा मोटिव कोई होर आ। ये एक्चुअली ये पार्टियां जिहड़ियां ने ये जिहड़े जिहड़ियां कोई कास्ट बेस्ड पार्टी होंदे ने ये जिहड़ी आज़ादी की जिहड़ी ढा जिहड़ी आज़ादी की लहर सी उहनूं ढाल लाउणा चाहुंदे जिहड़ी अपना इतिहास खत्म करन दे तुले होए ने। ते सर वी कह रहे वी पोलिटिकल पार्टी जिहड़ियां हैगे एनवायरनमेंट हजे ना पी शुरू करन रहे ने। मेरा नहीं ख्याल कि इहने कीती होई, ये सरकारी आ, ये किसानां दे हित लई फंक्शन हो रहा। जिहड़े लीडर होंदे ये
रोल मॉडल होने चाहिए कि लोग इन्हों के उत्ते विश्वास कर कहन क्या साडा लीडर तुरै जांदा ये ना हो कि उन्होंने मूछ पाउण ये मेरे ख्याल रिएक्शन ये है कि दिल्ली का इस करके क्या कि जिहड़ियां उन्होंने डिमांड्स ने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाल सारियां रिलेटेड ने पंजाब ने जो करना सी असीं उन्होंने नाल खड़े और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं वी मैं तो बोलदा हूँ कि वेख्या कि जे किसानी बचेगी तो हिंदुस्तान बचेगा जय जवान जय किसान का नारा हिंदुस्तान चलिया सी ये जिहड़े कारपोरेट ने खेती जिहड़ी आ वह कारपोरेट नहीं चला सकते साडे कोल जमीना मेरे ख्याल के जे आपां लै लईए तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 एकड़ तो वध साडी एवरेज आवे जिहड़ी 50 to 60% 2 एकड़ की एवरेज होंदी तो असी अमेरिका वर्गे जिहड़े एडे एडे वड्डे जिन्हां दे बिग फार्मर्स ने वो फेल हो गए हैं तो ये 2 एकड़ वाला तो कभी जिंदगी उठ ही नहीं सकेगा ये जे खत्म करे करांगे तो हिंदुस्तान च बेरोजगारी इन्ना का बढ़ावा मिल जाएगा कि इतने खाना चंगी हूँ तक पहुँच जाएंगे इस करके किसानी एक हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी तोड़न की बजाय इनू यह वेखना पैना सानू कि इनू मजबूत किवें किया जा सकता सरकारा नू अपने लोक राज किनू कहिंदे आ जो लोगों का राज होए वो अपना राज नहीं ठोकना चाहिए लोगों की गल मननी चाहिए। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।